तो हाय एवरीवन, और आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। मकर संक्रांति पे, लोहड़ी पे सब लोग बनाते हैं, तो बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये रेसिपी है आंटी की, मतलब दादी माँ वाली रेसिपी है, तो इसलिए मैं दादी माँ से ही शेयर करवा रही हूँ, तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, तो गाइस सबसे पहले ली है कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई ले लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तिल भी सेकना है और इसी में लड्डू बनेंगे। बड़ी होती है तो कंफर्टेबली आप उसे मूवमेंट कर सकते हो, तो इसलिए सबसे पहले बड़ी ही कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है और ड्राई रोस्ट करने वाले हैं तिल। तो सबसे पहले तिल को ड्राई रोस्ट किया जाएगा। बाकी आंटी आप बताते रहो, आपको आता है बोलना वीडियो में, ऐसा नहीं है। बाकी आंटी बस ये तिल थोड़ा ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, फिर धीरे करके सेकेंगे, धीरे धीरे थोड़ा तिल का रंग दूसरा हो जाए, जब तक क्रीम कलर का हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा आंटी इसमें? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट लगेंगे, ये धीमी धीमे सेकते हैं ना, इसलिए 5-7 मिनट लगते हैं। हाँ, ताकि जले भी ना, जले ना। हाँ, और इसका क्रीम कलर हो जाएगा ना। हाँ, खुशबू आने लग जाएगी। हाँ, है ना। हाँ, खुशबू आने लग जाएगी जब तक हो जाएगा अच्छे से। पहले कढ़ाई गर्म हो जाएगी, फिर इसको धीरे कर देंगे। लाते हैं हल्का हल्का, और फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, अदरवाइज। हाँ, मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का हल्का ब्राउन करते हैं, ज्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन। अदरवाइज तेज रखोगे तो ऊपर से तो ये सिक जाएगा और अंदर तक नहीं सिकेगा, इसीलिए हाँ। ड्राई रोस्ट आपको एकदम कम पे, ये बोलेंगे सिम पे। हाँ, सिम पे लगेंगे 5 से 10 मिनट, डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है तिल की। अब जैसे ये कम है तो जल्दी हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा होगा तो टाइम लगेगा। तो देखिए गाइस, ये निकाल लिए हैं, ड्राई रोस्ट हो गए हैं, गर्म है अभी भी ये, लेकिन इस तरीके से लाइट ब्राउन होने तक, ठीक है, खा के आप देख सकते, वैसे तो वैसे ही पता चल जाएगा, अदरवाइज लाइट ब्राउन होने तक 10 से 12 मिनट आप इसे रोस्ट कर लीजिए। अब बनानी है गुड़ की चाशनी, तो उसके लिए कितना पानी लेना आंटी? आधा कप लिया है, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ पानी ऐड किया है। और अब ऐड करेंगे गुड़। गुड़ आप बोलो, ये देसी वाला गुड़ है। हाँ, तो ये देसी गुड़ है, ब्लैक दिख रहा है आपको, क्योंकि जितना गुड़ व्हाइट होता है आपको पता है वो उतना फिल्टर्ड होता है, तो इसलिए कलर पे ना जाए। हम भी देसी हैं और ये गुड़ भी देसी है। तो वैसे आंटी कितना लेना चाहिए, जैसे जितना तिल होता है उतना गुड़? जैसे आधा किलो तिल है ना, तो 50 ग्राम 100 ग्राम कम लेना चाहिए। कोई 50 ग्राम कम लेता है, कोई 100 ग्राम कम लेता है। हाँ, तो जैसे अगर 500 ग्राम आप तिल ले रहे हैं, तो 450 ग्राम के उसके अप्रोक्स तिल, सॉरी गुड़ लीजिए। 400 ग्राम गुड़ तो 500 ग्राम तिल। हाँ, इस तरीके से ले सकते हैं आप, तो आपको प्रोपोर्शन का पता चल जाएगा अगर आप बना रहे हो तो, क्योंकि सब अपनी क्वांटिटी अलग अलग बनाते हैं। तो अभी इसको मेल्ट होने देना है। अभी तो उबाल आ रहा है, ये तैयार होगा ना, जब कढ़ाई का है ना तला दिखने लग जाएगा, जब तैयार हो जाएगा। अभी ये सिर्फ उबाल आ रहा है ना। हाँ, गुड़ है जो गल गया है। ओके, और तो पता कैसे चलता है कि चाशनी बन गई है? मैं तो है ना, यही काम था मेरे पीए वालों का, तो मेरा काम अंदाजा है कि ये बन जाएगी ना, तो जैसे कढ़ाई का तला था ना सफेद, ऐसे सफेद दिखने लग जाएगा जब पक जाएगा गुड़। ओके, क्योंकि सब लोगों को ये बड़ी पानी में डाल के देखते हैं कि कड़क हुआ है कि नहीं हुआ है ना, वो ऊपर आ जाता है तो मतलब बन गया। हाँ नहीं, ये गुड़ थिक गाढ़ा होने लग जाएगा। थिक बोलते हैं। हाँ हाँ, थिक बोलते हैं। तो कंटिन्यूस इसको लगातार हिलाना है ना। हाँ, ऐसे हिलाना है, नहीं तो ये साइड में भी होता है ना, इसको भी उतारना पड़ता है। और तिल को भी आप कंटिन्यूस चलाइए ताकि वो जले ना। हाँ, तो उसको भी चलाते हुए आपको रोस्ट करना है, जिस तरीके से आंटी अभी गुड़ कर रही है। तो सपकने वाली है थोड़ी देर, 5 मिनट की देर ये। तैयार होने वाला है 5-7 2-3 मिनट में। तो इस तरीके से आपको फटाफट चलाते रहना है, लेकिन इससे ताकि ये चिपके ना। हाँ, नहीं तो जलने लगता है।
क्या आप सोचो एक मिनट छोड़ के मैं ये कर लूँ, वैसा वाला सीन बिल्कुल नहीं है। ये भी आप सफेद होने लगेगा थोड़ा थोड़ा, देखिए जैसे गुड़ पकेगा ना, पहले काला लग रहा था, जैसे गुड़ पकेगा ना जैसे थोड़ा। हाँ, और चाशनी की थिकनेस पे आप देख रहे हो कि गाढ़ी होती जा रही है। हाँ, इसमें पानी सूखेगा तो गाढ़ी होगी। अब आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आंटी की बहुत अच्छी अच्छी आपको एकदम अच्छी वाली रेसिपी देखने को मिलेंगी। नहीं प्यार दोगे तो फिर रेसिपी भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, आपको प्यार देना है, ऐसा नहीं करना है कि भाग जाना है और रेसिपी नहीं देखनी है। आंटी को सच में बहुत अच्छा अच्छा खाना आता है, आपको सारी सीरीज में गुजराती डिश दिखाएंगे। ये तो दिखाई रहे हैं तो ऑल इंडिया वाली डिशेज है, लेकिन गुजराती खाना भी आपको दिखाएंगे। उसके लिए आप बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि फिर आंटी को भी अच्छा लगेगा ना। हाँ भाई, लोग मुझसे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं तभी ऐसे मेहनत करने में मोटिवेशन चाहिए होती है। और होप सो कि आप निराश ना करो। बूढ़ा अपन पक जाता है ना, तो देखो कढ़ाई का तला दिखता है ना। हाँ, तो आप गुड़ पक गया इस स्टेज पे, आपको मतलब ये पक गया, देखिए फ्लफी भी हो गया और थिक भी हो गया है, ये तैयार है ना। अब इस पे ऐड करना है तिल। हाँ, अब इस स्टेज पे आपको ये रोस्टेड तिल जो है ये ऐड करने हैं, और इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है। गैस अभी चालू है ना? नहीं, बंद बंद, गैस बंद कर दी गई है, और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसे फटाफट से मिक्स करना है ना आंटी? हाँ, वरना तो ये एकदम हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर मूव नहीं होगा, मतलब सेट हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस तरीके से मिक्स करना है। तो ये तिल और गुड़ की चाशनी जो थी वो दोनों बाइंड हो गई है, और ये गर्म है अभी, और गर्म में लड्डू बनेंगे है ना। हाँ, छोटे बनाने बड़े जैसा आपको ठीक लगे आप बनाते। तो इस तरीके से आप लेके हल्का सा ग्रीस कर सकते हो हाथ को, या पानी से भी हाथ ग्रीस कर सकते हो, और फटाफट से आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हो। तो इस तरीके से फटाफट बनाना है। आंटी को एक्सपीरियंस, इसलिए वो फटाफट स्लैब पे बना रही है। आप हल्का सा, लेकिन ठंडा होगा तो वो सेट हो जाएगा, ठंडा नहीं करना बिल्कुल भी। बट पानी के हाथ ले सकते हो अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा लगे तो। नहीं नहीं, पानी से वो चिपचिपा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ मतलब घी तेल लगा सकते हो हाथ पे। ओके, और फिर इस तरीके से। ये है भावना मैडम, इनको भी परफेक्शन है, देखिए इनके हाथ चल रहे हैं फिलहाल, और आंटी के, मेरे तो नहीं चल सकते ऐसे। तो देखिए फटाफट लड्डू बन गए हैं, और फटाफट आपको भी इनको इतना सारा प्यार देना है। कोई छोटा कोई बड़ा दोनों साइड के बने। हाँ, साइज तो वो टोटली ऑप्शनल होता है भाई, जितनी आपकी नीड है। कि बच्चों के लिए बनाते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि छोटा ही बनाए कि वो खराब करते हैं, खाते नहीं है, और बड़े चाहिए तो बड़े, ये टोटली आपकी चॉइस है। लसो कपो पहले इसको ऐसे प्लेन करते हैं, और उसके बाद तोड़ के इस तरीके के जितनी साइज का लड्डू लेना उतना तोड़ लो और लड्डू बना लो। इसको सारा इस तरीके से नाइफ की हेल्प से, स्पून की हेल्प से हटा लीजिए ताकि वेस्ट नहीं करना है। देखिए बिल्कुल खाली कर दिया आंटी ने कढ़ाई भी, बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। बड़ों से यही चीज़ें तो सीखने को मिलती हैं, तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ। ये फर्स्ट वीडियो आंटी का, अगर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया तो भरमार वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ मैं, आंटी का अलग से चैनल ओपन करने वाली हूँ। ये ब्लेसिंग्स है, पता है बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है ये, जो हम सेव कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सो जॉब अपार्ट, ये सच में ब्लेसिंग्स होती हैं, जो रेसिपीज इनकी हैं वो हम लोगों से वो नहीं हो पाता है। ये हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ब्लेसिंग सेव है। देखिए फटाफट लड्डू बन गए हैं मस्त वाले, तो रेसिपी अब खाओ। हाँ, सबसे पहले काना को खिलाएंगे, इनके भी काना और हमारे भी, तो दोनों भी दोस्त हैं हमारे जैसे। ये देखिए गुड़ का थोड़ा फर्क है, वो गुड़ एक्चुअली ब्लैक था, देसी था, तो इसलिए व्हाइट वाला होता तो ये प्योर व्हाइट होते। कोशिश करेंगे हम
मकर संक्रांति से पहले एक रेसिपी आपको प्योर व्हाइट वाला गुड़ ला के भी दिखा देंगे, बाकी टोटली चॉइस है आपकी, टेस्ट में उससे फर्क नहीं आता है, सेम प्रोसेस रहेगा बनाने का। तो देखिए रेडी हो गए हैं, होप्स हो कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत अच्छी है। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।